आर यू फीलिंग? सुपर्ब, आई मीन अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हाइलक्स आ चुकी है, बिकॉज मैं इसके वीडियोज पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ. सो आई हैव रॉयल एनफील्ड हिमालयन, तो मेरे माइंड में हमेशा से दिल में यही था कि ऐसी गाड़ी चाहिए जिस पर मैं हिमालयन रख के लेके जा सकूँ. सो ऑप्शन सिर्फ पिकअप ट्रक में ही होता है, और अभी तक इंडिया में सिर्फ इशूज ही थी. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू नो अदर कंपनीज टू लॉन्च ऑप्शन फॉर पिकअप ट्रक. तो ये गाड़ी फाइनली आई है, एंड मी एंड माई ब्रदर फ्यू डेज अगो हम लोग सिर्फ ऐसे घूमने के लिए निकले और पता चला कि ये गाड़ी लॉन्च हो गई. एंड बहुत इंस्टेंटेनियसली डिसाइड किया है कि अब करेक्ट टाइम आ गया इसको लेने का. अच्छा, तो सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ माइंड में है, प्लान की हुई है. तो वो स्टार्ट करेंगे. एंड डेफिनेटली मेरी बाइक का नाम बगीरा है, इसका नाम मैंने जीबू रखा हुआ है. अच्छा, नामकरण इसका हो चुका है. तो मैंडेटरी है, कोई भी गाड़ी आने के पहले उसका नाम रखा जाता है हमारे. तो फर्स्ट ट्रिप कहाँ की है सर? फर्स्ट ट्रिप सीधा मैं अभी निकलूँगा शूट के लिए. अच्छा. तो लंबी प्लान तो ऐसे है कि जहाँ भी इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी शूट है तो बाय रोड में जहाँ जा सकता हूँ वहाँ डेफिनेटली मैं इसको लेके जाऊँगा. और जहाँ साथ में बगीरा आ सकता है तो अभी एक रैंप बनना बाकी है. अच्छा. बाइक का तो वो बन जाएगा, तो पीछे बगीरा भी साथ. सुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर. थोड़े दिन मुझे लगेंगे अब्जॉर्व करने में कि ये आ चुकी है. मैंने बचपन से सिर्फ गाड़ियों का सुनना है, घर पे सबको शौक है गाड़ियों का. गाड़ियों का ही शौक है सबको, एक से एक गाड़ी चाहिए सबको. अब तो सब खुश होंगे घर पे. नहीं, मम्मी ने गाड़ी भी बहुत अच्छी है, पसंद आई है मेरे को, कंफर्टेबल भी है. और तो इनफैक्ट मैंने बहुत सारी व्हीकल्स का टेस्ट ड्राइव लिया था और मॉम को साथ में बैठा था. तो मॉम यूजुअली हाईटेक गाड़ियाँ पसंद करती थी, बट ये इस गाड़ी में बैठी शी वाज लाइक कि हाँ ये थोड़ी ऊंची है बट कंफर्टेबल है. तो इसको ग्रीन सिग्नल फाइनली दिया. चलो